और उनके सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है हम लोगों ने देखा था कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के टोटल बारह टेंसेस आप लोगों के फॉर्म होते हैं और उन बारह टेंसेस को कैसे आप लोगों ने याद रखना है और बस आई गेस यही डिस्कस किया था लेक्चर वन पे तो ठीक है पार्ट टू पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर ठीक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट क्लियर सिंपल फ्यूचर और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ये तीन टॉपिक हम लोग आज इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं क्लियर ओके okay, जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर ले और अब फेसबुक का हमारा पेज ऑनलाइन गुरुजी भी मैंने क्रिएट कर लिया है आप लोग पहले फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और उसके अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है Facebook के पेज का आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक है बहुत जल्दी हम उन पेज पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने की मैं सोच रहा हूँ ताकि आप लोग वहां से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर पाए क्यूँ क्योंकि वीडियो में तो हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं ठीक है पेजेस में हम लोग क्वेश्चंस डाल देंगे तो आप लोगों की वहां से प्रैक्टिस भी होनी स्टार्ट हो जाएगी क्लियर ओके okay, बाकी YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्लियर ओके okay, चलो पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं एंड होपफुली अभी तक टेंसेस पे जितने लेक्चर दो ही लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो दोनों लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट को अब एग्रीमेंट पे पांच लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट से क्लियर अच्छा पास्ट परफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा देखो परफेक्ट है तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हैज हैव आप लोगों को पता है बट क्योंकि ये पास्ट पे है तो हैज हैव किस पे चेंज हो जाएगा हैड में तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहां पर हैड होगा तो आप लोगों को पता है सब्जेक्ट प्लस मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड अच्छा प्लस अब जो मेन वर्ब आएगा कौन से फॉर्म पे होगा थर्ड फॉर्म पे होगा क्यों थर्ड फॉर्म पे होगा मैंने आप लोगों को बताया है हैज हैव हैड के साथ वब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म पे ही रहता है तो ये आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है पास्ट टेंस का क्लियर ओके डायग्राम्स में आप लोगों को मैं समझाऊं और साथ में इसके कीवर्ड्स भी मैं आप लोगों को बताता हूं देखो डायग्राम में अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो ये टेंस क्या होता है से दिस इज माई प्रेजेंट ये प्रेजेंट है ठीक है प्रेजेंट के पीछे कहीं पर एक पास्ट है सिंपल पास्ट है ठीक है उस पास्ट का भी एक पास्ट है क्या प्रेजेंट पे आप लोग यहां पर हो एक पास्ट है क्लियर सिंपल पास्ट है उस पास्ट का भी एक पास्ट है उस पास्ट के भी पास्ट को बोला जाता है पास्ट परफेक्ट क्लियर पास्ट का भी पास्ट इज योर पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट क्या होगा इसके लिए आप लोगों का सब्जेक्ट सॉरी स्ट्रक्चर होता है इसके लिए आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्लियर ठीक है पता चल गया पास्ट परफेक्ट देखो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा अभी के लिए तो पता चल गया ना क्या होता है पास्ट परफेक्ट क्लियर ओके कीवर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं इस पे कीवर्ड्स जो इस पे यूज होते हैं वो होते हैं बिफोर आफ्टर और वेन एक्चुअल में इन दोनों को जोड़ते हैं ना पास्ट और पास्ट परफेक्ट को जो वर्ड जोड़ते हैं वो होते है ये की वर्ड इनके बिफोर आफ्टर वेन ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के की वर्ड है एक्सेट्रा क्लियर चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ओके okay? चलो एक एग्जाम्पल लिखो से आई हैड जस्ट रीच्ड होम When someone knocked at the door. क्या है आई हैड जस्ट रीच्ड होम वेन समी डोर क्लियर मतलब अगर मैं इसे बनाना चाहूं पेंस पे तो देखो दिस इज माई प्रेजेंट ये बोलना चाह रहा है कि मैं घर पहुंचा ही था ठीक है सपोज मैं यहां पर घर पहुंचा ठीक है आप लोग प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो मैं यहां पर घर पहुंचा ठीक है मैं यहां पर घर पहुंचा ही था जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही क्या हुआ किसी ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया तो यहां पर नॉक हुआ सॉरी और ठंडा बहुत है ठीक है क्या है देखो आई हैड जस्ट रीज होम वेन डोर ठीक है आप घर पहुंचे ही थे कि किसी ने दरवाजे पे नॉक किया ठीक है क्लियर तो पहला दो इवेंट है इसपे ठीक है दो इवेंट है पास्ट पे पहला क्या हुआ पहला ये हुआ कि आप लोग घर पहुंचे आप घर पहुंचे ठीक है उसके बाद का इवेंट क्या है दरवाजे पे किसी ने नॉक किया क्लियर फर्स्ट इवेंट क्या है आप लोग घर पहुंचे मतलब आप घर पहुंचे सेकेंड इवेंट क्या है किसी ने दरवाजे पे नॉक्ड किया ठीक है तो ये नॉग्ड पास्ट है तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट क्लियर तो देखो यही यहां पर यूज हुआ है देखो सी आई हैड जस्ट रीज होम हैड रीज ये कौन सा टेंस आ गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट वेन समवन नॉग्ड पास्ट पे समवन नॉक्ड सिंपल पास्ट एट दी डोर क्लियर तो जो पास्ट परफेक्ट के टेंस होंगे इस पे आप लोगों के दो इवेंट्स होंगे पास्ट पे क्लियर जो इवेंट पहले हुआ क्लियर मतलब पास्ट के पास्ट में जो हुआ क्लियर वो वाला आप लोगों के किस पे होगा वो वाला आप लोगों के पास्ट परफेक्ट में होगा और जो पहला इवेंट मतलब जो ये इवेंट होगा ये पास्ट पे होगा क्लियर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं देखो जैसे ये वाला बहुत ही पॉपुलर है बचपन से यही पढ़ाया जाता है सी एग्जाम्पल होता है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड क्या हुआ देखो अब ये, ये पूरा पास्ट है पास्ट पे पहले क्या हुआ यहां पर देखो ट्रेन यहां पर चले गई ट्रेन लेफ्ट हो गई ट्रेन चले गई उसके बाद पास्ट पे हम कहीं यहां पहुंचे ठीक है ना दो इवेंट हो रहे हैं पहला इवेंट क्या है ट्रेन चले गई सेकेंड इवेंट क्या है हम रेलवे स्टेशन पहुंचे क्लियर तो पहला इवेंट क्या हुआ पहला इवेंट हुआ कि ट्रेन चले गई उसके बाद हम पहुंचे ठीक है तो ये ट्रेन के जाने का इवेंट क्या हो गया ये हो गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट और उसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट समझ रहे हो ना सिंपल सा है पास्ट पे दो इवेंट होंगे जो इवेंट पहला हुआ ठीक है ऐसे याद रखो जो इवेंट पहला हुआ वो होता है पास्ट परफेक्ट में जो इवेंट बाद में हुआ वो होता है सिंपल पास्ट में जैसे इस एग्जांपल पे पहले ट्रेन चले गई पहला इवेंट हुआ ट्रेन चले गई दूसरा इवेंट क्या हुआ हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे दोनों पास्ट पे है तो आप लोग क्या लिखोगे इसे द ट्रेन ड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच ठीक है ना तो लेफ्ट आप लोगों का क्या हो गया हेड लेफ्ट हो गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट और बिफोर वी रीज क्या हो गया आप लोगों का रीज हो गया आप लोगों का सिंपल पास्ट ठीक है अभी देखेंगे स्पॉटिंग एरर पे कैसे इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं क्लियर रूल तो समझ में आ गया ना पास परफेक्ट का क्या है पास परफेक्ट में आप लोगों के पास पे दो इवेंट हो रहे होते हैं जो पहला इवेंट होता है वो आप लोगों का पास्ट परफेक्ट पे होता है और जो दूसरा इवेंट होता है वो आप लोगों का सिंपल पास्ट पे होता है क्लियर सिंपल सी बात है ठीक है रूल समझ में आ गया अभी एरर स्पॉटिंग पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस रूल को यूज किया जाता है क्लियर ठीक है ना तो पास्ट परफेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट लिखो आप लोग सिंपल फ्यूचर एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे वैसे भी हम लोग सारे एग्जाम्पल से एक बार सारी थ्योरी हो जाए तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे देखा था ना और मैंने आप लोगों से लेक्चर वन पे भी डिस्कस किया था कैसे हम लोग देखेंगे ठीक है तो परेशानी कुछ मत रखो आप लोग लेक्चर के साथ प्रैक्टिस करते रहो बस ठीक है नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या था आप लोगों ने टेबल पे याद हो सिंपल पास्ट पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया सिंपल फ्यूचर क्या था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस व ठीक है क्लियर अच्छा नोट डाल के यहां पर एक बात लिख लो आप लोग आई और वी के साथ शेल यूज होता है ठीक है वैसे तो हम लोग यूज विल ही करते हैं बट आई और वी के साथ शेल भी यूज हो सकता है तो शेल को रिप्लेस कर ही दिया है विल ने बट अगर द ब्लैंक्स पे आप लोगों को क्वेश्चन आता है और विल और शेल दोनों दिए गए हैं तो आप लोग प्रेफर्ड करना वहां पे शेल को क्लियर अच्छा नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो नोट पर ही लिखो इसे भी वेन टू फ्यूचर टेंस आर यूज इन अंटेंस जब क्या होता है मेरे सेंटेंस पे दो फ्यूचर टेंस यूज होते हैं ठीक है उस टाइम पे अब देखो सिंपल फ्यूचर से यहीं पे एरर आएगा ठीक है बाकी कहीं पे एरर नहीं आते ठीक है जितने मैं आप के साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं टेंस को उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस कर रहा हूं जहां पर उसके एरर आते हैं क्लियर ठीक है ना लिखो वेन टू फ्यूचर टेंस आर यूज इन अंटेंस मतलब एक सेंटेंस पे दो फ्यूचर टेंस यूज किए जाते हैं लाइक like एग्जाम्पल ले लो यू विल नॉट सक्सीड अनटिल सॉरी अनलेस अनटिल टाइम के साथ आता है अनलेस कंडीशन के साथ आता है ठीक है वो डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है अनलेस यू विल वर्क हार्ड ठीक है अब देखो यहां पर क्या हुआ देखो एक्चुअल में क्या आता है ना इसी इसी एरर को बोलते हैं डबल विल डबल विल एरर भी बोला जाता है इसी को आप लोग लिख सकते हो यहां पे ठीक है एक सेंटेंस पे दो बार जब विल आ जाते लाइक यहां पर आए यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड ठीक है वेन टू फ्यूचर टेंस आर यूज इन अन्टेंस तब क्या होता है तब क्या होता है जो सेंटेंस आपके क्लॉज से स्टार्ट होते हैं जैसे यहां पर ये वाला सेंटेंस देखो क्लॉज से स्टार्ट हुआ अनलेस वाले से ठीक है क्लियर Clear? तो जो क्लॉज से स्टार्ट होते हैं लाइक like क्लॉज होते हैं आप जैसे एग्जाम्पल वर्ड लिख लेता हूं अनलेस इफ वेन बिफोर आफ्टर ठीक है इन वर्ड्स के साथ जो क्लॉज आता है क्लियर इन वर्ड्स और भी वर्ड जैसे एसुन एस समझ गए ना जो लिंकिंग वर्ड होते हैं जो दो को लिंक कर देते हैं ठीक है इनके इन साथ जो क्लॉज आता है उस वाले क्लॉज में विल नहीं लगता है ठीक है तो यहां पर विल नहीं लगेगा ठीक है तो सेंटेंस पढ़ा जाएगा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड अगर मैं इस अन उठा के आगे ले आता और सेंटेंस बनता अनलेस यू नहीं ये तो सेंटेंस ही नहीं बनता था ठीक है क्लियर ठीक है समझ गए ना आप लोग जो क्लॉज के आगे अनलेस इफ व्हेन बिफोर आफ्टर या एस एसुनेस लगे हुए है उस वाले क्लॉज पे विल नहीं आएगा क्लियर दूसरे में आ जाएगा जिसके साथ नहीं है देखो इस वाले क्लॉज पे यू विल वर्क हार्ड वाले क्लॉज के आगे क्या लगाया लगा अनलेस है तो इस क्योंकि इसके आगे अनलेस है तो इस वाले क्लॉज में विल नहीं आएगा ठीक है इधर से भी आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियर ठीक है, ओके, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ़ सेंटेंस, ठीक है नेक्स्ट इस पे एक और एग्जाम्पल देखना चाहोगे चलो जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब एक और एग्जाम्पल देखेंगे अभी इतना याद रख लो कि जिस क्लॉज के साथ अनलेस ए अन बिफोर आफ्टर सून एज इस टाइप के वर्ड्स आते हैं उस वाले पे विल नहीं लगता है ठीक है अभी जब हम स्पॉटिंग के एरर के क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं इसके एग्जाम्पल डालूंगा उस टाइम पे देखते हैं आप लोग स्पॉट कर पाते हो कि नहीं वैसे इसे याद रखना डबल विल एरर जहां पर भी दो विल आ रहे होते हैं ना वहां पर यही वाले एरर होते हैं क्लियर नेक्स्ट लिखो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्वेंस ऑफ सेंटेंस ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लियर इससे आप हाँ लोगों का एरर आता ही है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या बोलता है सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस बोलता है कि सपोज मेरा सेंटेंस एक पास्ट टेंस पे शुरू होता है ठीक है सब्जेक्ट प्लस से पास्ट पे शुरू हुआ उसके बाद ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म पे ही कंटिन्यू रहेगा क्लियर ये सेंटेंस उसके बाद पास्ट पे ही शुरू रहेगा पास्ट पे ही आगे चलता रहेगा ये नहीं है कि पहले पास्ट में शुरू हुआ फिर प्रेजेंट पे गया फिर पास्ट पे आया फिर प्रेजेंट पे आया इस टाइप से सेंटेंस की कोहेरेंसी नहीं बन पाती तो क्या होता है अगर सब्जेक्ट सेंटेंस पास्ट पे शुरू है तो वो सेंटेंस पास्ट पे ही चलता रहता है क्लियर बट एक एक्सेप्शन है कि सब्जेक्ट शुरू तो हुआ पास्ट पे बट उसके बाद वो आ जाता है प्रेजेंट पे ये कब पॉसिबल है जब जो मेरा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो वो क्या हो कोई एक सपोज यूनिवर्सल ट्रुथ तो क्लियर जब ये क्या हो मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ तो क्यों आप लोगों को मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट्स ठीक है वो सारे किस पे थे आप लोगों के हमेशा प्रेजेंट टेंस पे थे सिंपल प्रेजेंट पे थे तो यहाँ आप लोगों को इतने याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आप लोगों का टेंसेस का ठीक है ना अगर सेंटेंस पास्ट पे शुरू होता है तो वो पास्ट पे ही कंटिन्यू करता जाता है एक एक्सेप्शन केस है कि पास्ट पे शुरू हुआ प्रेजेंट पे जा सकता है अगर प्रेजेंट टेंस पे जो स्टेटमेंट है वो अगर कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो क्लियर ठीक है ना समझ गए ओके okay, जैसे एग्जाम्पल लिखो आई फर्स्ट मेट इन पेरिस वेयर i live as a small child ठीक है i first met her in paris i first met met किस पे आप लोगों का पास्ट पे अगर सेंटेंस पास्ट पे शुरू हुआ तो वो पास्ट पे ही चलना चाहिए आई फर्स्ट मैटर इन पेरिस वेयर आई लिव ये तो किस पे आ गया ये तो प्रेजेंट पे आ गया ठीक है आई लिव एज ए स्मॉल चाइल्ड कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है इसका मतलब इस लिव को यहां पर होना एकदम गलत है इसके बदले यहां पर क्या होना चाहिए पास्ट ही होना चाहिए आई लिव्ड आई लिव्ड वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ही सेड that honesty is the best policy clear see he said said क्या है आप लोगों का पास्ट पे है सेंटेंस पास्ट पे शुरू हुआ आप लोगों को पता है सेंटेंस पास्ट पे है तो इसे पास्ट पे ही आगे चलते जाना है ठीक है क्या आया आप लोगों के पास इज ये किस पे आप लोगों का प्रेजेंट पे है अगर ये प्रेजेंट पे है तो देख लो कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ का हिस्सा तो नहीं है ये 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 एक क्या है? हाँ, ये तो एक क्या है? है. है. तो तो उस केस में ये पास्ट से आगे पे रहे, रहे, रहेगा. क्लियर? ये सही क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है हमेशा टेंस पे रहता है तो उस केस पे ये टेंस पे रह सकता है एलसी से क्या होता है एलसी से हमें चेंज करना पड़ता पास्ट पे अगर ये कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तो क्लियर ओके okay, आज के ओके okay, आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है जो की मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है uh, जितने टेंसेस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए है जितने रूल्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इसके अगले लेक्चर्स पे करेंगे ठीक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे आप लोगों के कंडीशनल टेंसेस ठीक है कंडीशनल टेंसेस आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेस है ठीक है और जो बाकी बचे हुए टेंसेस है उन टेंसेस को मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चंस टेंस से आएंगे जो टेंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बाकी जो बचे हुए टेंसेस हैं ये डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पे दिखा दूंगा कि आप लोग इजीली इन टेंसेस को कैसे टैकल कर सकते हैं क्लियर अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए अगर आपको चैनल पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स लोगों को भी बताइए ऑनलाइन गुरुजी के बारे में क्लियर ओके थैंक यू